सतना से खबर, झमझम बारिश हो रही है सतना में। अमरपाटन से ये खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश, कई इलाकों के घरों में पानी घुसा है, कई इलाकों में जो घर हैं उनके अंदर पानी घुसा है। नगर परिषद पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके घरों में पानी घुस गया है, सफाई ना होने से इलाके में पानी भर गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन बारिशों के दिनों में ये हालात लगभग सभी जगह बनते हैं, बारिश होती है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि समय पर सफाई नहीं होती, व्यवस्थाएं नहीं की जाती और जब बारिश होती है तो जगह जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। कई जगह बाढ़ की स्थिति बनती है, कई कॉलोनियों में पानी इतना भर जाता है कि लोगों का सामान तक बहने लगता है। ऐसे में सतना के अमरपाटन में नगर परिषद पर यह आरोप कि उन्होंने सफाई नहीं की समय रहते, जिसके बाद पानी भरना लोगों के घरों में शुरू हो गया। एक बार फिर से राजा खान संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नगर परिषद पर आरोप लगा रही है जनता राजा कि उनके आसपास सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई, पानी भरना शुरू हो गया है घरों में। जी बिल्कुल पारू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है, जो की अमरपाटन में ऐसी कुछ बस्तियां हैं जहाँ की आधा घर उनका डूब चुका है पानी में, जो नगर पालिका के अधिकारियों को अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन मतलब एक्टिव मोड पे नहीं आया। चलिए, और क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, कोई ऐसा नुमाइंदा जो नगर परिषद की तरफ से जवाब दे पाए आपको? जी भाई, मैं आपको बताऊं, मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है सतना जिले के लिए, इसके बाद भी शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम। पहले किसी तरह की सफाई व्यवस्था यहाँ नहीं देखी गई, कोई एक्शन प्लान पहले नहीं बनाया गया नगर परिषद की तरफ से? बिल्कुल पालू जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी वो कोई टीम बनाई नहीं गई है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी है सतना जिला में पिछले 14 घंटे से लगातार। मौसम विभाग की तरफ से जारी है, लेकिन जो सफाई व्यवस्था जो दुरुस्त करने की जरूरत थी वो बारिश से पहले ही मेंटेनेंस का काम कर लिया जाता है, लेकिन शायद यहाँ पर जागे नहीं जिम्मेदार अधिकारी और जनता भुगतान उसका भुगत रही है। बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए।